दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा पर अटैक करती है नीलम, और नीलम कोशिश करती है कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा और मीत अलावत दोनों का ही खात्मा हो जाए, क्योंकि नीलम उर्फ लैला ये चाह रही है कि अगर मीत अलावत मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं होगा, और साथ में मैं मीत हुड्डा को भी यहीं ख़त्म कर दूंगी। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा का ख़त्म होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इस समय जो साथ मिल रहा है ईशानी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ईशानी ने बोल दिया था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी किसी भी तरीका की दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हें घबराना है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इधर मीत हुड्डा के ऊपर घर पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही हैं मीत अलावत की मॉम। मीत अलावत की मॉम बोल रही हैं कि वो झूठी लड़की, वो हमारे बेटे के साथ में क्या क्या कर रही होगी, हम तो जानते थे कि वो लड़की हमारे बेटे के पीछे लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर मीत हुड्डा तो वाकई में रियल हेल्प कर रही है, लेकिन दोस्तों मीत हुड्डा के बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड वाकई में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि जिस गाड़ी में पटाखे लगा रखे हैं नीलम ने, ताकि ये पटाखे इस तरीका से हों कि गाड़ी फट जाए, लेकिन दोस्तों वहाँ पे ईशानी की मदद से मीत अलावत को निकाल लिया जाता है, क्योंकि मीत अलावत को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन होश आ रहा है। और आप लोग देख पाएंगे कि मीत अलावत इस समय कितनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि लगातार डोज पर डोज दे रही थी नीलम। नीलम ये सोच रही थी कि इस समय इसकी दिमागी हालत वो बिल्कुल टॉर्चर से गुजरे, क्योंकि दिमाग की अगर हालत बेकार होगी तो आदमी को कुछ याद नहीं रहेगा, और वो ही नीलम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मीत हुड्डा पूरी तरीका से मीत अलावत को वहाँ से ले जाने में सफल रहने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।